देश में लगातार वन क्षेत्र में आई कमी के कारण गांव और शहरों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवम यादव और आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा गांव। कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं गोबर कितना उपयोगी है हमारे लिए। साथ ही हम आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में लेकर जाएंगे जहां पर गोबर का उपयोग कर मॉस्किटो कॉयल, अगरबत्ती, साबुन, हवन सामग्री, गोबर की लकड़ी, एनर्जी केक, गमला जैसी तमाम घरेलू चीजों का निर्माण किया जाता है। आइए देखते हैं लाइव टुडे की एक खास रिपोर्ट। इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर स्थित बायोवेद इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में गोबर से बने उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे मॉस्किटो कॉयल, अगरबत्ती, साबुन सामग्री, गोबर की लकड़ी, एनर्जी केक, गमला जैसे तमाम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाई जा रही हैं। इस संस्थान में किसानी और कृषि में करियर बनाने वाले छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। बायोवेद संस्थान की खास बात यह है कि गोबर से बनी जिन चीजों का निर्माण किया जाता है उनकी मशीन बिना बिजली से चलती है। साथ ही इस संस्थान में लाख से बने सामान का भी निर्माण किया जाता है। हम मौजूद हैं इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर कौड़िहार क्षेत्र के बायोवेदिक संस्थान में, और इस संस्थान की खास बात यह है कि यहाँ पर गोबर से बनी चीजों का प्रयोग किया जाता है और काफी चीजें बनती हैं यहाँ से जो गोबर है उसकी। आप देखिए, हम वहीं मौजूद हैं। ये पूरा का पूरा गोबर जो है यहाँ पर ये डम करके रखा हुआ है। ये गोबर के बगल ठीक यहाँ एक लैब है और आप देखिए बायोवेद के प्रोजेक्ट यहाँ पर बनते हैं, इस लैब के अंदर है। इसमें टूथ पाउडर है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, मास्कोटी है, हर्बल कोयल है, फेस पैक है, हवन सामग्री है समेत यहाँ कई चीजों का प्रयोग होता है। और आप देखिए, हम सीधे अब लैब के अंदर चलेंगे। ये लैब है और यहाँ पर किसान, जो आसपास गांव के जो किसान हैं वो यहाँ पर लैब में हैं और यहाँ से वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, यहाँ सीख रहे हैं। ये देखिए कॉयल है, ये मॉस्किटो कॉयल है, ये पूरा गोबर का ही बना हुआ है और ये मार्केट में जाता है। और यहाँ पर देखिए मशीन है और लोग यहाँ पर अपने काम में व्यस्त हैं। बाकायदा आप देखिए, ये गोबर का एक ये बॉल जैसे गोबर है और इसी से ही ये मॉस्किटो कॉयल बन रहा है। स्टूडेंट भी हैं जो इस कोर्स को यहाँ पूरा करने के लिए आए, ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये साबुन है, साबुन भी ये गोबर का है, इको फ्रेंडली ये साबुन कहा जाता है इसको। यहाँ पर अगरबत्ती है। अब आपको बता दें, अगरबत्ती जो बन रही है ये दो तरह की बन रही है। पहले में तो लकड़ी का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक अगरबत्ती है जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये सभी लोग यहाँ पर काफी समय से काम कर रहे हैं। और आप ये देखिए, ये एक एनर्जी केक है, ये एनर्जी केक है, इसका इस्तेमाल होता है चूल्हे के लिए। ये खास बात यह है कि इसमें धुआं नहीं होता है और ये भी यहाँ बनता है। और ये हवन की सामग्री के भी सामान यहाँ पर देखिए बन रहे हैं। ये पैकेट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, वो ये अगरबत्ती है, उधर लकड़ी है, वो लकड़ी है। और लेकिन लकड़ी की तरह है ये, पूरा का पूरा गोबर है, लेकिन इसमें जैसे लाश के जब जलाई जाती है तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि जब लकड़ी की किल्लत हो या आदमी लकड़ी का नहीं ले पा रहा हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पूरा का जो पूरी लैब है ये इन्हीं सब चीजों के लिए यहाँ पर बनाई गई है। बगल में आपको हमने दिखाया कि गोबर से ही ये सारा का सारा जो सामान बन रहा है। उधर गमले भी रखे हुए हैं, ये देखिए गमले भी यहाँ पर हैं, ये छोटे छोटे गमले हैं, दिए हैं, ऐसे यहाँ तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर लोग बना रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा जो फायदा होता है, ये गांव के जो किसान हैं जो पलायन कर रहे हैं, गांव को छोड़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी राहत की बात है कि अपने गांव में ही रह करके वो एक छोटा सा अपना एक उद्योग कर सकते हैं, अपना घर का परिवार चला सकते हैं। ऐसे में हम आगे चलेंगे और हम दिखाएंगे जो इस
प्रोडक्ट, जब ये तो रॉ बन रहा है, इसकी जो खूबसूरती है जब वो निखर कर आती है तो ये प्रोडक्ट कैसा दिखता है। बायोवेद संस्थान ने किसानों को नई सौगात दी है। ये संस्थान करीब 20 बीघे में फैला हुआ है। गोबर से बनी चीजों को बनाने के लिए यहाँ भारी संख्या में गाय को रखा गया है। एक गौशाला बनाई गई है जिसमें भारी संख्या में गाय हैं। इस गौशाला की देखभाल के लिए कई लोगों को लगाया गया है। स्वच्छ बनाने और गांव से पलायन कर रहे किसानों, या ये कहें कि गांव वालों को नया रोजगार देने का अच्छा जरिया बन गया है बायोवेद संस्थान। इस पर किसानों से खास बात की हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा ने। बगल में गांव, मेरा गांव मोहरब से, वहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम गालती मोर्टिन बनाने सीख रहे हैं, मास्को कीटो और अगरबत्ती वगैरह गालती है, गोबर साबुन उबर, इसलिए यहाँ सीख रहे हैं। और बाद में जाके अपना कारोबार स्वयं कर सकते हैं, इसलिए इस हमारे डॉक्टर साहब जी के द्वारा सौ संस्थान है बायोवेद, तो हम आए यहाँ सीखने के लिए। कभी सोचे था कि गोबर से भी ये सारी चीजें निकल सकती हैं? सर, हम तो कभी नहीं सोचे, पर यहाँ आने के बाद लगा कि बहुत कुछ है, गोबर से बन सकता है। किसानों का भी कहना है कि अब वो अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, गांव में ही रहकर खुद का रोजगार भी कर सकते हैं। सरकार चाहे जितने भी दावे करे कि गांव में बिजली की समस्या दूर हो गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बिजली की समस्या बनी हुई है और इसी के चलते गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव के लोग शहर की तरफ पलायन न करें, इसी के लिए किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। किसान भी संस्थान पर आकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी, हम गांव से, इलाहाबाद से आए हैं, महेशगंज है गांव का नाम, तो वहां से आए हैं सर। हमको ये लगा कि हमको रोजगार करना है, कहीं कोई रोजगार नहीं है, तो हमने देखा कि बायोवेद में सुना कि यहाँ पे गोबर से और सारे जैसे मोती का है, तो मैंने ट्रेनिंग लेने बायोवेद विजिट किया, तो यहाँ पे मुझे लगा कि सबसे अच्छा मेरे लिए गोबर का मास्किटो क्वाइल और स्टिकलेस अगरबत्ती और स्टिक अगरबत्ती मैं बनाऊं, जो पर डे आदमी यूज करता है, इसे सख्त आवश्यकता है। और इस विषय को चुनने का सबसे बड़ा कारण रहा सर कि मुझे रॉ मटेरियल के लिए, जो हम दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं कि हमारा जो मार्जिन होता है वो कम हो जाता है, तो इसलिए इसमें रॉ मटेरियल हमारे घर में हो जाएगा, गाँव में हो जाएगा, तो इसका पाउडर बना के हम अपना आराम से बना के इसमें लगता है कि मैं अपना भविष्य बना सकता हूँ। और आपने कभी सोचा था कि गोबर से ही ये? नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसमें कंडा बन रहे थे, वो भी कंडे को बहिष्कार लोग कर रहे हैं कि धुआं उसमें आ रहा है, तो यहाँ पे आके देख के मुझे तो आश्चर्यचकित हूँ। और मैं सभी युवा भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि वो ऐसा प्रशिक्षण लेके और अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। तो बाहर जाना सर बहुत कठिन कार्य है कि अपने परिवार को छोड़ के रहता है, ये बहुत परिवार को छोड़ना सर बहुत कष्टदायक होता है, तो यहाँ पे रह के मुझे लगता है कि वो अपने परिवार में आनंदमय तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो किसान भाइयों, ये तो थी गोबर के उपयोग और गोबर के रोजगार से जुड़ी जानकारी। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे किसान गोबर से घरेलू सामान बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं, साथ ही संस्थान और लैब का जायजा भी लेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आगे बहुत कुछ है खास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में। किसान भाइयों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप गोबर का उपयोग कर घरेलू उत्पाद के उत्पादन से खुद के लिए एक बेहतर रोजगार का विकल्प खोज सकते हैं। ये सब मुमकिन हो पाया है इलाहाबाद स्थित बायोवेद संस्थान की बदौलत, जहां पर किसानों को गोबर से घरेलू उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप गोबर के उपयोग से पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। जीवन में हमें कई तरह की चीजों की जरूरत होती है, जिन चीजों का प्रयोग कर हम जाने अनजाने में पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इस जरूरत को बायोवेद ने अपने प्रयासों से पर्यावरण के अनुकूल बनाते हुए इको फ्रेंडली फ्यूल स्टिक्स और एनर्जी केक की खोज की है।
इस कृषि वैज्ञानिक ने गाय के गोबर से एक ऐसा ईंधन तैयार किया है जो लकड़ी से कई गुना सस्ता और वातावरण में कम धुआं पैदा करने वाला है, जिसे एनर्जी केक बोला जाता है। ये एनर्जी केक खाना बनाने के इस्तेमाल में आता है, जो बिल्कुल धुआं रहित है। इस धुआं रहित एनर्जी केक का इस्तेमाल करने से जहां वायु और नदियों का प्रदूषण कम होगा, वहीं गांव की बूढ़े हो चुके गायों से रोजगार का एक नया जरिया भी मिलेगा, जिससे ये जानवर भी बच सकेंगे। किसानों के साथ साथ आज के युवा भी इस नई टेक्नोलॉजी में अपने करियर को चुन रहे हैं। युवाओं का कहना है कि आज के इस बदलते परिवेश में, बढ़ते कंपटीशन के युग में नौकरी बेहद मुश्किल है, और इसी को ध्यान में रखते हुए वो भी इस संस्थान से जुड़ गए हैं। बेहद कम लागत में अधिक मुनाफा भी इससे हो सकेगा। संस्थान मैनेजर हिमांशु द्विवेदी का कहना है कि ये संस्थान 30 साल पुराना है, और इस संस्थान से देश के कई जिलों से आए हजारों किसानों ने यहाँ अपने लिए एक नया रोजगार चुना है। ये संस्थान 30 साल पुराना है। ये डॉक्टर MR सिद्दीकी थे जिन्होंने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर BK द्विवेदी जी को ये बोला कि आप एक अपना बायोवेद नाम रखो। तो ये एक बायोवेद रिसर्च सोसाइटी से ये कारोबार शुरू हुआ था, और आज जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, लगभग हमारे यहाँ आपका 2 से 2.5 लाख जो है किसानों को हमने ट्रेनिंग दी है, और वो अपने यहाँ ही अपने घर में ही आपका एनर्जी केक बना रहे हैं, मॉस्किटो कॉयल बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं। इसी प्रकार से जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स लगभग हमसे 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं पूरी इंडिया के, और वो अपने अपने घरों में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं, और 4 लोगों को वो भी रोजगार दे रहे हैं, मॉस्किटो कॉयल बना के, अगरबत्ती बना के, और एनर्जी केक बना के, हवन सामग्री बना के। इसी प्रकार से काफ़ी प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका लाख पे गोबर से, हमने गोबर के गमले पे लाख चढ़ाई जो आपने देखा, इसी प्रकार से आपका जो मिट्टी का पेपर वेट था उस पे जो कोटिंग थी वो लाख की थी। तो ये एक वैल्यू एडिशन है जो आज के यूथ को, जो आज फ्रिक्वेंटली वो चाहते हैं कि आज लगाएं और तुरंत उसका रिजल्ट और रिस्पांस मिलने लगे, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है। बायोवेद संस्थान में गोबर से ही बन रहे तमाम सामान अब किसानों या किसी को भी एक नया रोजगार देने का काम कर रहे हैं। गोबर से बने इन सामानों को रंग कर इसे एक नया रूप प्रदान किया जाता है। संस्थान और लैब का जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा ने। हम मौजूद हैं संस्थान के प्रदर्शनी हॉल में। सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देखिए, ये हॉल है। हमने कुछ देर पहले हम वहां थे जहां पर लैब है, जहां कच्चा जो माल है वो तैयार हो रहा था, और अब देखिए वहां के बाद जब सौंदीकरण होता है उन सब चीजों का, तो वो इस तरह से इस गमले का लुक आता है। कहना चाहिए कि बहुत ही शानदार लग रहे हैं जब ये यहाँ पर सजे हुए रहते हैं। यहाँ पर खरीदारी के लिए आम जनता भी आ सकती है, और ये हॉल है आप देखिए, लाख से जुड़ी हुई चीजें भी यहाँ पर हैं, गोबर से बनी हुई चीजें भी यहाँ पर हैं, और उसी का ही ये पूरा का पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरी पैकेट है अगरबत्ती का, और ये हवन सामग्री है, ये पूरी पैकेट है, और इसी पैकेट की यहाँ सेल होती है। और आप नीचे देखिए ये सारे जो सामान हैं ये यहाँ सजे हुए हैं, और शायद कोई ये बता भी नहीं सकता कि ये गोबर से बने हुए सामान हैं या कहे कि लाख से बने हुए ये सामान हैं। ऐसे में ये सामानों की वैल्यू अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब कच्चा माल होता है तो लोग उसे सिर्फ गोबर कह करके ही संबोधित करते हैं, लेकिन अब जब यही सामान जब ऐसे पेश होता है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि मिट्टी सोना बन जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, लाइव टुडे, इलाहाबाद। तो किसान भाइयों, हमने आपको बताया कि किस तरह से आप गोबर का इस्तेमाल कर घरेलू उत्पाद बना सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको किसानों द्वारा पूछे गए खेती से जुड़े सवालों से रूबरू कराएंगे।
किसान भाइयों, आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में अब तक हमने आपको कई सारी फसलों, फलों और फूलों की खेती के बारे में बताया। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हों, इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो बिल्कुल मुफ्त है, जिस पर हमें किसानों की ओर से सराहना तो मिली ही है, साथ ही उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए हमसे संपर्क भी किया है और कई किसान भाइयों के सवालों का हमने अपने विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी किया। कुछ ऐसे ही सवाल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिसे किसान भाइयों ने हमसे पूछा और उसका जवाब जानने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसान रतन पटेल ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर कॉल के माध्यम से अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है, आज का सवाल, पपीते की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। हमारा जवाब, रतन जी, पपीते के बीज को बोने का समय जुलाई से सितंबर और फरवरी मार्च होता है। बीज अच्छी किस्म के अच्छे और स्वस्थ फलों से लेने चाहिए। बीजों को क्यारियों, लकड़ी के बक्सों, मिट्टी के गमलों और पॉलीथीन की थैलियों में बोया जा सकता है। क्यारियां जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। जब पौधे 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं तो उन्हें क्यारी से पॉलीथीन में स्थानांतरित कर देना चाहिए। रतन जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे सवाल के बारे में। बिहार के रहने वाले किसान भाई विमल मेहता ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क किया और अपनी समस्या रखी। उन्होंने हमसे जानना चाहा है, आज का सवाल, टमाटर की खेती की क्या प्रक्रिया है। हमारा जवाब, विमल जी, टमाटर की अच्छी उपज में तापमान का बहुत बड़ा योगदान होता है। फसल के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान अधिक होने पर फूल और अपरिपक्व फल टूटकर गिरने लगते हैं। समुचित जल निकास वाली जीवाश्म युक्त बलुई दोमट या दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। टमाटर की सफलतापूर्वक खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना आवश्यक है। तैयार पौध की रोपाई से पहले खेत की पहली गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। 3-4 आड़ी तिरछी जुताई कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना लेना चाहिए। विमल जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। मध्य प्रदेश के रहने वाले किसान भाई मुकेश पाटीदार ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क किया और अपनी समस्या रखी। उन्होंने हमसे जानना चाहा है, आज का सवाल, ब्रोकली की फसल में खाद और उर्वरक प्रबंधन कैसे किया जाए। हमारा जवाब, मुकेश जी, ब्रोकली की खेती की खाद प्रबंधन के लिए प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 50 किलोग्राम गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद तैयार करें। 1 किलोग्राम नीम की खली, 1 किलोग्राम अरंडी की खली को खादों में अच्छी तरह से मिलाएं। क्यारी में रोपाई से पहले समान मात्रा में खाद को बिखेर लें। इसके बाद क्यारी की जुताई करके बीज की रोपाई करें। मुकेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्याएं और उनके समाधान जो कि आपने हमसे पूछे थे।
हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा और हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरह संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर संपर्क करते रहेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।